नमस्कार, लोअर मेंस की कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। लोअर मेंस की कक्षा में आज जो मैं आपका क्लास लेने वाला हूँ वो है हिस्ट्री का, जिसमें मैं शुरुआत करूँगा मॉडर्न इंडिया से। क्यों करूँगा वो मैं बताऊँगा। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो लोअर मेंस के अकॉर्डिंग टीम प्रोग्राम लेके चला रही है, वो आपका दो प्रोग्राम चला रही है, जिसके अंतर्गत एक फुल कोर्स है, एक टेस्ट सीरीज है। जो बच्चे प्री क्वालिफाई कर चुके हो, मेंस की तैयारी करना चाहते हो बेहतर तरीके से, तो आप परीक्षा प्लस टीम द्वारा जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उस पर आके आप जुड़ सकते हैं। पहला तो फुल कोर्स है, इसके बारे में बता दे रहा हूँ हल्का कि इसमें क्या है। मेनली आपके प्रैक्टिस पे फोकस किया गया है, आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस दिया जाएगा करने के लिए सेशनल वाइज, और इसमें प्लस टेस्ट भी हैं। मतलब टोटल मिला के अगर देखा जाए तो इसमें 100+ टेस्ट हो सकते हैं आपके, प्लस इसमें पूरे के पूरे वीडियो कोर्सेज हैं, अवेलेबल हैं, आपके नोट्स हैं। दूसरा हमारा सिर्फ टेस्ट सीरीज है, जिसके अंतर्गत आपको सिर्फ 25+ फुल लेंथ टेस्ट जो हैं आपको मिलेंगे, जो आपके मेंस के सिलेबस और पैटर्न पे एकदम डिफाइन रहेंगे। तो आप लोग जिस भी कोर्स में इनरोल्ड होना चाहते हो जल्दी से इनरोल्ड हो जाइए। सभी चीज़ें चालू हो चुकी हैं, आपका टेस्ट भी चालू हो चुका है, और आपका फुल कोर्स के जो भी हैं ये प्रैक्टिस सेट्स, आपके जो हैं वीडियो लेक्चर्स, वो सब चालू हो चुके हैं। तो अगर आप इन सब में इनरोल्ड होना चाहते हैं तो आप इन जो भी नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इन सभी नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए तो आज हम बात करेंगे मेनली हिस्ट्री के बारे में। मॉडर्न इंडिया में शुरुआत करने जा रहा हूँ, और मॉडर्न इंडिया क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों मैं मॉडर्न इंडिया ही से शुरुआत किया, क्यों ना एंशियंट शुरुआत किया, मिडिवल क्यों ने किया, तो सिर्फ मॉडर्न क्यों किया। तो मॉडर्न आप सभी लोग जान रहे हो, प्री क्वालिफाई करके आए हो, मेंस में बैठने वाले हो, चाहे वो कोई भी आयोग हो, मैं आपसे बात कर लूँ, चाहे वो आपका UP SSC आयोग हो, चाहे आपका PCS हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, A to Z कोई एग्जाम इस समय हो रहा है, उसमें मॉडर्न का सबसे ज़्यादा हमें वेटेज देखने को मिलता है। तो UP SSC में प्री की बात करें हम, 50 क्वेश्चन में अगर मॉडर्न का फेस देखें कि मॉडर्न इंडिया से कितने क्वेश्चन आए थे, तो मैं बता सकता हूँ कि अगर आपके 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल हिस्ट्री से, मिनिमम हर पेपर में एक 8 क्वेश्चन था, मैक्सिमम उसका रेंज था 10 क्वेश्चन का, ये 50 में है। तो 75 क्वेश्चन में इसका रेंज क्या बढ़ सकता है, तो ये उसी अकॉर्डिंग उसी परसेंटेज के हिसाब से ये आपके 14 क्वेश्चन तक जा सकता है मैक्सिमम, ठीक है। 12 से 14 क्वेश्चन जो है उम्मीद लगाया जा सकता है कि ये हिस्ट्री से आपसे क्वेश्चन पूछे। अब हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे तो अपने आप में जो ये हिस्ट्री लिखा जाता है ना, ये अपने आप में ही सबसे बड़ा है, वर्स्ट सिलेबस है इसका। अगर इसे पढ़ने बैठ जाओगे तो बाकी सब सब्जेक्ट क्या करोगे, किनारे रख दोगे, और सिर्फ हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते जो है आपके 3-4 महीने बीत जाएंगे। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका एक एंशियंट पार्ट है जो अपने आप में एक सबसे बहुत बड़ा पार्ट है, फिर मेडिवल है, इसे भी अगर अच्छे से पढ़ोगे तो इसके आर्ट कल्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर, हर चीज आपको पढ़ने में वैसे एंशियंट के बारे में है, ठीक, पूरा सिंधु घाटी से सभ्यता से शुरू करोगे 500 तक पढ़ना है एडी तक, तो उसमें भी काफ़ी टाइम जाएगा। उसके बाद मॉडर्न तो अपने आप में है ही है। तो इसी सब को देखते हुए कि हमें मेनली एग्ज़ाम क्रैक करना है, ना कि हमें PhD करना है, तो उस पर क्या है आपका जो 8 से 10 क्वेश्चन आया था, इसमें एंशियंट के किसी किसी पेपर में तो गायब ही था क्वेश्चन पूर्ण रूप से, किसी किसी में आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा था, मेडिवल के 3 क्वेश्चन पूछा था, बाकी आपके 2 से 3 क्वेश्चन मेडिवल के, और किसी में नहीं भी पूछा था, बाकी आपके मॉडर्न के ही आपके मैक्सिमम बोलेगा तो 50% चार जो क्वेश्चन बोला जाए, 4 से 5 हो सकता था, 3 से 4, ये क्वेश्चन आपके वेटेज था प्री का। तो वही मेंस में अगर ये बात करें तो ये आपका वेटेज सेम ऐसे ही बढ़ेगा, तो 7 से 8 क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि आपका मॉडर्न इंडिया कवर करेगा, बाकी आपके 2 से 3 क्वेश्चन एंशियंट बनेंगे, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आपके क्या बन सकता है, आपका मेडिवल हिस्ट्री का बन सकता है, मध्यकालीन भारत से आ सकता है। तो पढ़ना क्या फायदेमंद रहेगा हमें, मॉडर्न इंडिया, क्योंकि हमारा 7 से 8 क्वेश्चन, और ये 2 और 3 क्वेश्चन है जितना तुम लोग प्री के लिए तैयारी कर चुके हो हिस्ट्री का, ये 2 से 3 क्वेश्चन में जाहिर सी बात है 2 क्वेश्चन अगर 3 आता है तो 2 आप ड्यूलोवर कर ले जाओगे, क्योंकि आप प्री क्वालिफाई करके आओ। ऐसा नहीं है कि पढ़े नहीं हो कोई भी चीज, शुरू से पढ़ना है, चाहे वो मेडिवल हो चाहे आपका एंशियंट हो। तो इसीलिए हमें फोकस जहां होना है वो सिर्फ मॉडर्न इंडिया पे होना है। पढ़ेंगे हम सब, एंशियंट को भी पढ़ेंगे, मेडिवल को, मगर एक टारगेट बेस पे पढ़ेंगे कि कहां से क्वेश्चन उठाया जाता है और किसे हमें करेंगे कि हमारा जो नंबर वहां पक्का हो जाए। अगर आपका 14 क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसमें 12 क्वेश्चन करने का
जो है जज्बा रखें कि हम 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं मॉडर्न इंडिया आपको शुरुआत करूंगा और शुरुआत हमारी मॉडर्न इंडिया की होगी डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से। ठीक है, मुगल एम्पायर जैसे खत्म होता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जैसे अब आप मॉडर्न इंडिया की बात करोगे तो इसमें इतिहासकार आपके अलग अलग विभाजन करते हैं मॉडर्न इंडिया का, अलग अलग सबका मत है। कोई आपसे 1600 में जब अकबर था वहीं से जब आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आना शुरू की इंडिया में, तब से आप लोग मॉडर्न का जो है एक तरह से पढ़ने लगोगे, कहीं डिवाइड मिलता है। लेकिन मेनली जो पढ़ना सब है में, चाहे हम 1700 से पढ़ें चाहे 1600 से पढ़ें, ठीक एग्जाम में सब आने वाला है। तो मेनली हमारा जो होता है डिवाइड, कई लोग 1757 के जो प्लासी का युद्ध है वहां से मॉडर्न इंडिया को टारगेट करते हैं, तो हम जो पढ़ाएंगे आपको वो 1707 से करेंगे। ठीक है, कि जब औरंगजेब मरा, मिडिवल हिस्ट्री जो है आपकी अंत हुई वहीं से, और वहीं से मॉडर्न का युग जो है देखने को हमें मिलता है। ठीक, ये 1700, ये जब हम मॉडर्न ये बोलते हैं ना, जब ये रिवोल्यूशन हुए थे ना, हर जगह रशियन रिवोल्यूशन हुए थे, ये सब जो रिवोल्यूशन आया मॉडर्न में, जहां लोग अपनी मांगों को सामने रखें, लोगों के सामने दब के रहना नहीं सोच रहे थे, वो रिवोल्यूशन के लिए जहां से शुरुआत होती है चीजों की, अपने हक की लड़ाई के लिए, उसी को मॉडर्न एज कहा जाता है। ठीक, तो वही हम पढ़ेंगे आज 1707 के बारे में। तो आप शुरू करते हैं अपना चैप्टर कि 1707 में कैसे औरंगजेब जैसे मरता है, तो वो इतना बड़ा साम्राज्य जो करके गया होता है, तो वो कैसे मिनटों में बिखर जाता है, मिनटों में नहीं कह सकते हो, कई सालों में बिखरता है, वो फंसा है एक जनरल सी। तो वो साम्राज्य क्यों बिखरता है, क्या कारण था उसमें, एक कारण कई इतिहासकार आपके अलग अलग कारण कहां कहां से ढूंढ कर लाते हैं। कोई कहता है कि जब अकबर के समय में मनसबदारी व्यवस्था शुरू की गई थी, तो वो भी एक बहुत बड़ा डिफॉल्ट था मुगल एम्पायर का, जिसके कारण बाद में चलकर मुगल एम्पायर जो है पतन की तरफ अग्रसर हो गया। ठीक है, कई लोग कहते हैं आपके कि जो इसके उत्तराधिकारी बने औरंगजेब के बाद, वो लायक नहीं थे, सब के सब क्या थे, नालायक थे, जिसके कारण मुगल एम्पायर का पतन शुरू हो गया। तब उन्हीं नालायकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज कि वो इतने बड़े साम्राज्य को कैसे जो है बिखेर दिए और चला नहीं पाए। और मेरा जो मिडिवल का कुछ पोर्शन पढ़ा हुआ है, आप देखेंगे, मैंने कराया है जो फ्री में है आपका, उसमें आप देखेंगे तो उसमें मैंने जो साउथ के एम्पायर पढ़ाए हैं, विजयनगर और बामनी साम्राज्य जब पढ़ाया है आपको, वहां से आप हिंट ले सकते हो इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा, कि वहां पे जो ईरानी अफाकी जो मैंने बताया था उसमें बामनी साम्राज्य में अफाकी लोग आते हैं, जो ईरान से इराक के आते हैं, वो लोग अपना धीरे धीरे गुट बनाने लगते हैं यहाँ पे, तो वही मुगल साम्राज्य में एक गुटबंदी भी शुरू हो जाती है, जो एक कारण बनता है। ये सब कारण हम देखेंगे एक एक करके। चलिए पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो शुरुआत होगा चैप्टर, पहला यूनिट जो होगा हमारा वो क्या होगा, पहले यूनिट में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो पहला यूनिट हमारा है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर और मराठास एम्पायर। मराठास एम्पायर का उदय पढ़ेंगे और मुगल एम्पायर का जो क्या करें पढ़ेंगे, पतन पढ़ेंगे। ये हमारा पहले यूनिट का टॉपिक है, आप लोग नोट कर लेना, जिसमें पहला हम बात करेंगे कि मुगल एम्पायर के जितने भी उत्तराधिकारी हुए वो कौन कौन थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिवाजी महाराज के बारे में, मराठा एम्पायर के उदय के बारे में बात करेंगे। ठीक, उनकी हिस्ट्री जानेंगे, उनकी बायोग्राफी जानेंगे, उसके बाद से आपके शिवाजी महाराज के जो भी सक्सेसर हुए हैं, जो भी उत्तराधिकारी हुए उनको बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद से कैसे ये मराठास जो हैं आपके पेशवा में बदल जाते हैं, जो इनका कार्यभार है, जैसे ये पेशवा का जो कार्यभार आता है वो कैसे आपका शुरू होता है, ये सब हम लोग पेशवा भी पहले यूनिट में आपके हम कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, नोट करते जाइएगा आप लोग, कॉपी पेन लिए हैं तो। 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो काल आता है उसे हम उत्तर मुगल काल कहते हैं। ठीक, इतिहास में 1707 में औरंगजेब की जो मृत्यु होती है, उसके बाद से इनके उत्तराधिकारी जो राजा बनने के जो है होड़ लग जाता है युद्ध के लिए, कि कौन राजा बनेगा, अपने में ही भाई भाई मरने लगते हैं, कटने लगते हैं। तो आप एक बार इस डायग्राम से, फ्लो चार्ट से देखिए, अगर आपको क्लियर हो रहा होगा, बाकी तो मैं इसे दिखाऊंगा ही आपको बाद में, एक एक करके मैं सबको पढ़ाऊंगा। औरंगजेब मेन है यहाँ पे, जैसे इसकी मृत्यु होती है, ठीक है, तो इसके आपके कितने बेटे होते हैं, 5 बेटे होते हैं। एक होता है आपका मुअज्जम, आजम, अकबर सेकेंड और आपका सुल्तान।
अकबर सेकेंड और सुल्तान दोनों की मृत्यु औरंगजेब के शासनकाल में ही हो जाती है। तो ये लोग रेस से बाहर हो जाते हैं, जो उत्तराधिकारी का जो रेस लगता है इसके औरंगजेब के मरने के बाद, वहां से ये बाहर हो जाते हैं। तो आपके तीन लोग बचते हैं, मुअज्जम बचता है, आजम बचता है और आपका कामबख्श बचता है। ठीक, अब इनमें लड़ाई होती है, ये लोग में से जीतता कौन है, बॉक्स में आपको दिख रहा है ये मुअज्जम है, जिसे बाद में हम लोग बहादुर शाह आलम फर्स्ट के नाम से जानते हैं। इनके जो लड़के आते हैं वो देख लो फ्लो चार्ट में, एक जहांदार शाह है, अजीम उस शाह है, रफी उस शान है और जहान शाह है। ठीक है, कितने हैं, इसके भी चार पुत्र होते हैं और इन चारों में भी क्या होती है, लड़ाई होती है कि कौन राजा बनेगा। सेम कंडीशन जैसे औरंगजेब के मरने के बाद होता है, वैसे यहाँ पे बहादुर शाह के मरने के बाद होता है। और इस लड़ाई में जीतता कौन है, जहांदार शाह। ठीक है, फिर जहांदार शाह के जो क्या करता है, इसका जो भतीजा होता है आप मतलब जहांदार शाह के भाई अजीम उस शान का जो बेटा होता है फरुखसियर, ये इनको मार देता है। मारने के बाद गद्दी पर बैठ जाता है। फिर ऐसे ही मतलब सब एक दूसरे को गुट बनाकर षड्यंत्र रच कर भाई भाई को मारने पर तुल जाते हैं, पिता पुत्र को मारने पर, ऐसे ही चलता रहता है। तो फरुखसियर के मरने के बाद आपके जो तीसरे राजा आते हैं वो आते हैं रफी उस शान का बेटा आता है रफी उद्दरजात, फिर उसी का सेकंड भाई आता है रफी उद्दौला। ठीक, उसके बाद से आपका जहान शाह का बेटा बनता है, पांचवें नंबर पे मोहम्मद शाह, जिसे हम रंगीला के नाम से इतिहास में जानते हैं। ठीक है, उसके बाद से इसी में आपका नादिर शाह का आक्रमण उक्रमण होता है जो ईरानी होता है। उसके बाद अहमद शाह इसका बेटा बनता है, मोहम्मद शाह का बेटा अहमद शाह आपका क्या बनता है, राजा बनता है छह नंबर पे। उसके बाद से आपके जो जहांदार शाह हैं उनके बेटे जो है आलमगीर आता है। ये आलमगीर सेकेंड क्यों लिखा, आलमगीर फर्स्ट कौन था, तो आलमगीर वही था जो औरंगजेब था। मूवी देखे होगे तानाजी मानुसर है, तो वहां पे जो नाम यूज किया गया है औरंगजेब का, क्या किया गया है, आलमगीर। ठीक है, तो वो आलमगीर वो कोई नहीं, औरंगजेब ही है। आलमगीर सेकेंड जो था वो जहांदार शाह का जो है बेटा था। ठीक, जहांदार शाह सेकेंड का जो बेटा था वो शाह आलम था, वो राजगद्दी पर अब क्यों वाइस बैठते हैं। फिर अकबर शाह आता है, फिर बहादुर शाह सेकंड आता है और यहां से आपका बोला जाए तो मुगल एम्पायर जो है पूरी रूप से खत्म हो जाता है। और ये 1857 की बात है, यही क्रांति होती है और यहाँ पे 1858 में आपका पूरा का पूरा जो है कहाँ चला जाता है, राजतंत्र रानी के पास चला जाता है। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी लोगों को पढ़ेंगे। चलिए, 1707 की बात है, औरंगजेब का जो है अहमदनगर में मृत्यु हो जाता है। मैं थोड़ा लाइट कर दे रहा हूं आपको। ठीक, कहाँ इनकी मृत्यु होती है, अहमदनगर में, ये मैंने सब बता रखा है। आप लोग थोड़ा सा अगर मेडिवल में मेरे लेक्चर पे जाओगे जो मैंने आपको दिया है फ्री ऑफ, उसमें है, कॉस्ट में है, जो आपका अहमद आपका मेडिवल हिस्ट्री है। 1707 में इसकी मृत्यु होती है। मृत्यु होने के बाद अब उत्तराधिकारी का जो है युद्ध शुरू हो जाता है। कहा जाए जब औरंगजेब था तो इसके जितने भी आपके बोला जाए राज्य था वो 21 सूबों में बटा हुआ था। सूबा बच्चों वो होता है, एक तरह से बोल सकते हो, छोटे छोटे प्रांत या छोटे छोटे जिलों में बटा हुआ था, जिसमें से आपके एक प्रांत जो था वो अफगानिस्तान में था आपके। उसके पास 14 प्रांत उसके जो थे आपके वो आपके उत्तर जो है भारत में थे और 6 प्रांत आपके जो थे वो दक्षिण भारत में थे। ठीक, उसी प्रांतों में से जो है आपके औरंगजेब के बेटे, क्योंकि मैंने बताया दो बेटे आपके जो है उनके औरंगजेब के, अकबर सेकंड, क्योंकि जो औरंगजेब अकबर सेकंड है वो अपने पिता के ही खिलाफ क्या करता है, विद्रोह कर देता है, जिसके कारण उसे शाहजहां मारने के लिए ढूंढता है और बाद में वो कहां पहुंच जाता है, ईरान पहुंच जाता है और वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही आपका सुल्तान रहता है, उसकी भी मृत्यु औरंगजेब के ही शासनकाल में हो गई रहती है। ठीक है, तो अब इसमें जो आपका अफगानिस्तान में सूबा था, जो प्रांत था, वहां का सूबेदार था आपका कौन, मोहम्मद मुअज्जम। ठीक है, मुअज्जम जो था जिसे हम बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से या शाह आलम फर्स्ट के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हम अभी कुछ देर में देखेंगे कि कैसे इसका नाम बहादुर शाह फर्स्ट पड़ा। उसके बाद से जो दूसरा होता है मोहम्मद आजम, यह अपने पिताजी के काम क्रिया में लगा रहता है। कहाँ पे, अहमदनगर से जब औरंगाबाद उन्हें दफनाया जाता है उस समय उनके काम क्रिया में रहता है और उनका साथ देता रहता है मोहम्मद आजम का। इनका सबसे ज्यादा वफादार, जो 30 साल से ऊपर भी कहा जा सके काम किया था औरंगजेब के साथ, जो वजीर था उसका असद खान। ठीक है,
ये ईरानी गुट का एक जो है मेंबर था, जो मैंने बताया कई गुट आ चुके थे भारत में, उस भारत में ईरानी गुट में से एक असद खां भी था। ठीक, वो मुअज्जम का किसका आजम का साथ देता है और काम बख्श जो आपके हैं वो साउथ में बीजापुर में अपना कमान संभालते रहते हैं। जब औरंगजेब की मृत्यु का सबको पता चलता है तो ये आपके जो हैं कौन आजम असद खां के हेल्प से अपने आप को बादशाह घोषित कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही पता ये आजम मुअज्जम को पता चलता है, बहादुर शाह को पता चलता है, वो काबुल से छोड़कर अफगानिस्तान को छोड़कर तुरंत दिल्ली की तरफ रवाना होता है और आगरा के पास आते आते आगरा के ही पास सामूगढ़ में एक जगह है जहां पे औरंगजेब और दारा सिखों की लड़ाई हुई थी और वहां पे औरंगजेब ने दिल्ली की सत्ता हथिया ली थी। और वहीं पे आपके कुछ ही दूर बाद सामूगढ़ के कुछ ही दूर पर एक जगह है आपका जजाऊ। ठीक है बच्चों, जजाऊ का युद्ध पूछे आपसे तो याद रखना, जजाऊ का युद्ध आपका मुअज्जम और आजम के बीच लड़ा जाता है। आजम जो है आपके असद खां के हेल्प से ये अहमदनगर से बढ़ जाते हैं कहाँ, आगरा की तरफ, और उधर आपका काबुल से कौन आता रहता है, मुअज्जम आया रहता है और दोनों की भिड़ंत हो जाती है आगरा के पास जजाऊ नामक जगह पर और उस युद्ध को बोला जाता है जजाऊ का युद्ध। नोट आउट कर लो, 18 जून 1707 को ये युद्ध लड़ा गया जिसमें मुअज्जम जो है क्या हुआ जीत गया इस युद्ध को और आजम की जो है क्या हुई मृत्यु हो गई उस युद्ध में। और आजम की मृत्यु होने के बाद जो असद खां आपका आजम की सहायता करता था वो अपने आप को बचाने के लिए वो असद खान अपना दल बदल लेता है और यहां से वो मुअज्जम के साथ हो जाता है। उसके बाद से ये सब कुछ हुआ तो उसका जो दूसरा बेटा था कामबख्श जो आपके बीजापुर का सूबेदारी संभाल रहा था, अब वो भी अपना विद्रोह करके अपने आप को बादशाह घोषित किया था वहां पे। उस बादशाह को कि वो चाहता था कि मुअज्जम की जो बादशाह हो सिर्फ एक हो, इसीलिए वो 1709 में कमैये कहाँ पहुंचता है आपका बीजापुर पहुंचता है और बीजापुर का युद्ध होता है कामबख्श और किसके बीच में, मुअज्जम के बीच में, और यहाँ पे कामबख्श भी मारा जाता है। इस तरह से कहा जाए तो मुअज्जम अपने सभी भाइयों को मारकर राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, अब मुअज्जम जो है 1707 में गद्दी पर बैठता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से या शाह आलम प्रथम के नाम से, जिसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। हम लोग मुअज्जम के बारे में नहीं जानते होंगे, आप लोग भी उतना नहीं, अगर पढ़े होगे तो जान रहे होगे, नहीं तो हमें मैक्सिमम इसका जो फेमस नाम है वो क्या है, बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम। ये जो शाह आलम प्रथम थे ये आपके रजौरी के राजा राजू के बेटी थी, एक नवाब बाई उनके पुत्र थे। कहाँ के? रजौरी के राजा राजू। रजौरी के राजा राजू आपके कहाँ के राजा थे? वो कश्मीर में एक जगह है रजौरी, वहां के राजा थे। यह ध्यान रखना, अगर आपसे कभी पूछता है कि ये किसके पुत्र थे तो ये नवाब बाई के पुत्र थे और नवाब बाई जो थी वो रजौरी के राजा राजू की पुत्री थी। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, ये 65 साल की उम्र में जो है आपके क्या होते हैं राजगद्दी पर बैठते हैं। इसीलिए एक इतिहासकार है इनके जो है दरबार में रहता है जिसका नाम रहता है खफी खां, और इसी कारण जब 65 की उम्र में ये राजगद्दी पर बैठते हैं तो इन्हें क्या कहता है, बोलता है बूढ़ा बादशाह। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि बूढ़ा बादशाह किसे कहा जाता है तो याद रखना बहादुर शाह प्रथम को, क्योंकि ये 65 साल की उम्र पे दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं और बहादुर शाह का प्रथम का इनका जो है उपाधि मिलता है। और यही जो है आपका खफी खां जो होता है इन्हें क्या कहता है, साहेब खबर की उपाधि देता है। ये ध्यान रखना एक पॉइंट और एग्जाम के जो है नजर से कि साहेब खबर किसे बोला जाता है, आपसे वन लाइनर पूछता है आपसे वन डे एग्जामिनेशनों में मैक्सिमम, तो वो साहेब खबर कौन था, बहादुर शाह प्रथम था। ठीक है, 1689 में क्या हुआ था कि औरंगजेब ने जो है साहू जी को, सांबाजी के पुत्र साहू जी को गिरफ्तार कर लिया था और सांबाजी को मार दिया गया था। ठीक, वो क्यों मारा गया था मैंने पूरा डिटेल में मेडिवल में पढ़ाऊंगा और थोड़ा सा जिक्र करूंगा जब मैं मराठा एम्पायर पढ़ाऊंगा। ठीक, अभी यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो उसे देख लेते हैं ध्यान में। तो जो साहू जी को कैद किया गया था तो ये साहू जी को क्या करता है, रिलीज कर देता है 1689 में, क्योंकि ये चाहता है कि मैं एक अच्छा साम्राज्य स्थापित करूं, मैं मित्रतापूर्वक, जैसे अकबर ने अपने समय काल में
सभी को मित्र बनाकर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, सेम सोच बहादुर शाह प्रथम की होती है, जिसके कारण इसने जो साहू जी 1689 में इसके पिताजी ने गिरफ्तार किया था उसको रिहा कर देता है। और रिहा करने के बाद ये जितने भी, जैसे छात्रसाल जो होता है आपका, बुंदेलखंड का राजा रहता है उसको कहता है ठीक है आप बुंदेलखंड जो है संभालो, ठीक। और जो जाट सरदार होता है चूड़ामल, उसे भी क्या करता है अपना मित्र बना लेता है, मतलब नफरत किसी के साथ ये करने की कोशिश नहीं करता है। जिसके कारण क्या होता है कि आपके जो यहां से साहू जी हैं वो जाते हैं, और एक बोला जाता है ये भी कि इनके जो उस समय मुगलों के जो दुश्मन थे वो कौन था, वो मराठा थे। और उस समय मराठों के बीच में कई इतिहासकार बोलते हैं कि साहू जी को रिलीज करने के पीछे इनका ये मकसद था कि साहू जी जाएंगे महाराष्ट्र में और वहां पर अपनी गद्दी के लिए युद्ध कर देंगे, तो तब तक के लिए मराठे जो हैं मुगल का पीछा छोड़ देंगे। और हुआ यही कि जब साहू जी आपके महाराष्ट्र जाते हैं, वहां देखते हैं कि राजा राम की मृत्यु हो गई है और उनकी जो बीवी थी ताराबाई, उन्होंने अपने छोटे पुत्र को शिवाजी सेकंड के नाम से राजगद्दी पर बैठा दिया, तो उस केस में साहू जी और इनका साथ देते हैं एक पेशवा जो है विश्वनाथ, ठीक। वो क्या करते हैं, दोनों लोग ताराबाई से लड़ते हैं और युद्ध होता है, वहां पे साहू जी जीत जाते हैं और गद्दी इनको मिल जाती है मराठों की, ठीक। तो ये सब होता है, ये सब आपके मराठा में हम जिक्र करेंगे कि कैसे क्या क्या हुआ था। और इसी के साथ साथ उन्हें जो मराठा होते हैं उनको क्या करता है कि अपना मित्र बनाने के लिए जो बहादुर शाह होता है, सरदेशमुखी एक जो कर लगाया जाता था उसे इन्हें कहता है कि आप लोग जो सरदेशमुखी कर है उसे वसूलेंगे और अपने पास रखेंगे। डिमांड होती है सरदेशमुखी और चौथ दोनों की, लेकिन सिर्फ मुगल एम्पायर जो है इनको, जो बादशाह होता है, सरदेशमुखी वसूलने का देता है काम। ये सरदेशमुखी कर क्या था बच्चों, ये 1/10 हिस्सा था उपज का। ये उन जगहों पे सरदेशमुखी और चौथ शिवाजी ने लगाया था, ये उन जगहों पे लगाया जाता था जहां पर मराठों का एक तरह से बोला जाए जीता हुआ स्थान होता था, या मराठे उन्हें संरक्षक के तौर पर कुछ सैनिक प्रदान करते थे किसी जगह पे कि अगर कोई आक्रमण होता है आपको बाहरी तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे। जो भी प्रांत हो, वो मैक्सिमम मुगलों के प्रांत थे जहां पे मराठों के सैनिक जो तैनात होते थे, चाहे उनके संरक्षण में होते थे, जिसके कारण ये अपनी सेनाओं की इतनी सर्विस देने के कारण इतना ये लोग कर वसूलते थे, जिसे हम लोग चौथ और सरदेशमुखी कहते थे। तो सरदेशमुखी में उपज का 1/10 लेते थे और चौथ में उपज का 1/4 लेते थे ये लोग कर, ठीक। तो यही एक कर था, अगर पूछता है आपसे एग्जाम में तो यह याद रखिएगा। सबसे इस काम जो है फ्रेंडली जो है बिहेवियर रहता है, और इसी कारण आगे चल के ये जो है गुरु गोविंद सिंह, जिसका जो है औरंगजेब, इसके पिता से तो एकदम नहीं पटता है, लेकिन उसके बेटे से, उसके बिहेवियर से गुरु गोविंद सिंह भी खुश होते हैं। और 1700 मतलब दोनों के बीच में क्या हो जाती है, संधि हो जाती है सिख और एक तरह से बोला जाए मुगलों के बीच में कोई फिर से युद्ध नहीं होता है। लेकिन जैसे ही 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होती है, कहाँ होती है, नांदेड़ एक जगह है आपका महाराष्ट्र में, वहां पे होती है। कहाँ, नांदेड़ जगह है महाराष्ट्र में, वहां पे इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद इनका जो शिष्य होता है बंदा बहादुर, वो क्या करता है, अब जो मुगलों की मित्रता की जो संधि हुई थी उसे तोड़ देता है और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। और इसी समय काल में क्या करता है, वो 1710 में सरहिंद पर आक्रमण करके सरहिंद को अपने कब्जे में कर लेता है। सरहिंद आपका पंजाब के पास का जगह है, ये जगह ये है जब आपका आपके मुगल राजा जो थे हुमायूं, जब एक बार इन पर शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया तो ये यहाँ से भागे थे, और जब वापस मुगल एम्पायर को एस्टेब्लिश किए थे इंडिया में तो सबसे पहले युद्ध कहाँ किए थे, सरहिंद में किए थे, जो ये पाकिस्तान आपके पंजाब प्रांत में है, ठीक है। यहाँ पर अधिकार कर लेता है बंदा बहादुर और गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलाने लगता। अब ये बात किसे पछती नहीं है, बहादुर शाह प्रथम को पछती नहीं है कि एक ही राज्य में दो दो लोग राज कर रहे हैं और दो दो सिक्के चल रहे हैं। तो इस वजह से वो क्या करता है, 1712 में अप्रोक्स जो है यहाँ पर, जब ये बंदा बहादुर लौगढ़ किला,
वो लोहगढ़ किला वही किला था जिसे आपके गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। उस किले पर अधिकार करने के लिए बंदा बहादुर अपनी सेना लेकर चल देता है, और वहीं पर किसका आपका बहादुर शाह प्रथम और बंदा बहादुर के बीच में युद्ध होता है, जहां पर बंदा बहादुर क्या करता है, बहादुर शाह प्रथम से हार मान जाता है और इनसे संधि कर लेता है, इनके अधीन हो जाता है। और जैसे वहां से लौटकर आते हैं बहादुर शाह प्रथम, वैसे ही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इनके शासनकाल में एक चीज और कि ये सात आपके मैंने बता दिया 1710 में इन्होंने पंजाब सरहिंद पर आक्रमण किया बंदा बहादुर। इसके बाद इसके शासनकाल में जो आपके बोला जाए आपके राजपूताना थे, ठीक है, उन्होंने भी विद्रोह करने की कोशिश किया। वो सोचे कि स्वतंत्र हो जाएं, लेकिन बहादुर शाह ये चाहता था कि लोग स्वतंत्र ना हो, लोग जैसे चाहें वैसे राज करें लेकिन मेरे अधीन होकर राज करें। इसी वजह से बात है उसी समय जब ये राजा बना था 1707 के पास की, कि राजपूताना में जो आपके अमेर के राजा रहते हैं, ठीक है, और आपके जो जयपुर के राजा जो अमेर है आपका, वो आज का प्रेजेंट का जयपुर है, ठीक है, जयपुर के राजा सवाई जयसिंह रहते हैं और आपके जोधपुर के राजा जो होते हैं अजीत सिंह रहते हैं। तो अजीत सिंह तो ये आपके जयपुर के राजा तो नहीं कुछ विद्रोह करते हैं, ठीक, मगर आपके जो अजीत सिंह होते हैं जोधपुर के राजा, वो क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। और इस विद्रोह को दबाने के लिए आपका बहादुर शाह प्रथम जो है राजस्थान की तरफ रुख करता है, तब वो जयपुर की तरफ से ही जाता रहता है, और उसी समय में क्या होता है आपके जयपुर में भी उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ जाता है। और उस युद्ध में क्या करते हैं बहादुर शाह कुछ दिन जयपुर में रुककर विजय सिंह को वहां का उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। किसको, विजय सिंह को, याद रखना, विजय सिंह को जो जयपुर का उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। और उसके बाद से आपके जोधपुर की तरफ ये रवाना हो जाते हैं और वहां पे अजीत सिंह को जो विद्रोह हुआ रहता है उसको दबाते हैं, और अजीत सिंह फिर से अधीनता इनके स्वीकार कर लेते हैं बहादुर शाह प्रथम के। फिर भी अजीत सिंह मानता नहीं है, और जब ये 1709 में, मैंने बताया ना कि 1709 में जब ये बीजापुर की तरफ रुख करता है, साउथ में जब भाग जाते हैं बहादुर साहब, साउथ में जब जाते हैं अपने भाई को मारने के लिए, कामबख्श को मारने के लिए, उसी समय क्या करता है ये अजीत सिंह पर आक्रमण कर जोधपुर को अपने कब्जे में कर लेता है। ठीक है, क्योंकि एक बार तो करता है विद्रोह, उस समय बहादुर शाह इसे क्या करते हैं, धमकाते वमकाते हैं तो मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो साउथ में चले जाते हैं वैसे फिर से अजीत सिंह क्या करता है, अधीन कर लेता है विजय सिंह को। फिर बाद में जब ये अपने कामबख्श भाई को हराकर वापस आते हैं, जब ये हरकतें देखते हैं अजीत सिंह को, तो फिर से पहुंच जाते हैं, कहते हैं तुम्हारी बहुत हो गई उल्टे सीधी हरकत, तो फिर बोलता नहीं भैया अब कभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है, एक बार और क्षमा कर दो। तो चलो क्षमा के तो पिता रहते हैं ये, तो एक बार और इन्हें क्षमा कर देते। तो राजपूत भी जो एक तरह से बोला जाए कि इनके मित्रता का व्यवहार हो गया था इनके बीच में। जब इनकी मृत्यु हुई तो उसी समय आपके एक बोला जाए हिस्टोरियन थे जिनका नाम था सिडनी ओवन। क्या नाम था, सिडनी ओवन। उन्होंने कहा कि एक मुगल एम्पायर, लास्ट मुगल एम्पायर का रूलर था जिसके बारे में हम कुछ अच्छा कह सकते हैं। मतलब इनके कहने का ये मतलब हुआ यहां से कि इनके मरने के बाद कोई ऐसा मुगल उत्तराधिकारी नहीं हुआ जिसके बारे में ये इतिहासकार कुछ अच्छा कह सके। ठीक है, इन्होंने जो बहादुर शाह था इनकी जो नीतियां देख के, कि मित्रता की नीतियां थी, सबसे फ्रेंडली रिलेशन रखते थे, ठीक, जजिया कर जो आपके नॉन मुस्लिम पे लगा था उसे ये बैन कर दिए थे अपने शासनकाल में, इन सबको देखते हुए जो आपके बुंदेलखंड के सरदार थे और जाट सरदार थे उनको कहे थे ठीक है आप स्वतंत्र होकर राज करिए, ये सब जो फ्रीडम दे रखे थे इसके कारण ये सिडनी ओवन कहता है कि इनके बारे में हम कुछ अच्छा कह सकते हैं। तो 1712 में बहादुर शाह के जो है खेल समाप्त होता है और नेक्स्ट आपके राजा बनते हैं कौन, उनके जो पुत्र होते हैं उनके बारे में देख लो, मेनली तो फिर वही जो चार पुत्र होते हैं इनमें लड़ाइयां होती हैं, उसके बाद से जो जीतेगा वही राजा बनेगा। तो बहादुर शाह के चार पुत्र जहांदार शाह, अजीम उस्सान, रफी उस्सान और जहान शाह। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो औरंगजेब का सबसे ज्यादा करीबी होता है वजीर कौन होता है, असद खान, उसी का पुत्र होता है जुल्फिकार खान, ये भी ईरानी रहता है। जुल्फिकार की मदद से कौन आपका जहांदार शाह
अपने सभी भाइयों को मरवा देता है। सभी भाइयों को, अजीमुस्सान, रफीउस्सान और जहान शाह सबको मरवा देता है और गद्दी पर बैठ जाता है जहांदार शाह। सिर्फ एक साल के लिए बैठता है, 1712 से लेके 1713 तक इसका शासन काल रहता है। और इसे किंग बनाने वाला कौन रहता है? ईरानी गुट, जो असद खान रहता है। ठीक, तो इसी वजह से उनको एक अपने राज्य में अच्छा पद देता है। जुल्फिकार खां को क्या कौन सा पद देता है? अपना वजीर बना लेता है। और जो उसका उसके पिता थे, जो औरंगजेब के वजीर रहते हैं काफी लंबे अरसे तक, उन्हें क्या करता है? वकील बना लेता है। क्या बना लेता है? वकील बना लेता है। ठीक है, तो ये तो बन गए जुल्फिकार, उनके वजीर बन जाते हैं और ये इनके वकील बन जाते हैं और सब कुछ अब इनके हाथ में रहता है। ठीक, उसी के शासनकाल में ये भी जो है अपने शासनकाल में क्या करते हैं कि जो जजिया कर होता है उसे हटा देते हैं। हटाने के बाद अब आ जाते हैं और आगे देख लेते हैं, इनके शासनकाल में जो आपके जुल्फिकार खां होता है, ये क्या करता है कि जो राजस्व वसूली है इसको ठेके पर दे देता है। याद रखना, राजस्व वसूली को ठेके पर दे देता है, जिसके कारण जो वहां के किसान होते हैं उन पर काफी अत्याचार होने लगता है, जिसे हम इजारा व्यवस्था भी कहते हैं। कौन सा व्यवस्था कहते हैं? इजारा व्यवस्था कहते हैं। इस इजारा व्यवस्था को इसने चालू किया था, ऐसा नहीं है कोई नया व्यवस्था था। इससे पहले साउथ में जो बीजापुर है आपका, ठीक है, आपका ब्राह्मणी साम्राज्य था, उसमें भी ये व्यवस्था चालू की गई थी। लेकिन जब ये व्यवस्था यहाँ चालू की गई तो यहाँ पे कृषकों के ऊपर, किसानों के ऊपर काफी दबाव दिया गया कि आप हमें इतना कर दो, जिसके कारण किसान खेती छोड़कर भागने लगे और जो है राजस्व इनका धीरे धीरे क्या हुआ, खाली होता चला गया। और यही ये भी एक कारण बन जाता है मुगलों के पतन का। देखो, यहां से राजस्व जब कर आएगा ही नहीं तो जो साम्राज्य का राजस्व है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। इन्हीं के शासनकाल में जो आपके राजा जयसिंह थे, अमेर के राजा, अमेर जो है आज के समय का जो जयपुर है वो अमेर है, ठीक है, और जो मारवाड़ है आपका, ठीक है, जयपुर है, और जो आपका जोधपुर था उसके राजा कौन थे? अजीत सिंह थे। तो जयपुर के राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दिया था इसने, जहांदार शाह ने अजीत सिंह को, जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दिया था। ये याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दिया था, तो याद रखना जहांदार शाह ने, और अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दिया था। और ये उपाधि देने के बाद इन लोगों को सूबेदार बनाया गया था। कहां का? जयसिंह को सूबेदार बनाया गया था मालवा का, और अजीत सिंह को सूबेदार बनाया गया था कहां का? गुजरात का। ठीक, तो ये याद रखना, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछता है कि जहांदार शाह ने किसको मिर्जा की उपाधि दी, तो कौन था? जयसिंह। और महाराजा की उपाधि किसे दी? अजीत सिंह को। अगला पॉइंट देख लो, नेक्स्ट नोट करो, इसका जो था शासन बोला जाए बहुत योग्य नहीं था, मेनली तो जुल्फिकार खां ही इसका शासन चलाता था। और इसी के शासन काल में इसका जो दिल था जहांदार शाह का, एक कौन था? लाल कुंवर जो है वैश्या थी, उस पर आ गया था, जिसके कारण फरुखसिया जो इसका भतीजा था वो देखने लगा कि भैया चाचा तो प्यार में फंस गए हैं। ठीक है, इसी वजह से जहांदार शाह ने वो जो लाल कुंवर थी उनके जितने भी रिश्तेदार थे सबको बुलाकर क्या किया? राज दरबार में मंत्री बना दिया। तो जिसके वजह से फर्रुखसियर ये सब देखता रहा और कहा कि अगर ऐसा रहा तब तो मुगल का सर्वनाश बहुत जल्द ही हो जाएगा। और इसी वजह से फर्रुखसियर इन्हें मारने की साजिश बनाता है, और किसकी हेल्प लेता है? ये सैयद बंधुओं की हेल्प लेता है। सैयद बंधु कौन थे बच्चों? ये सैयद बंधु भी आपके मुगल साम्राज्य में एक गुट होता था। आज मैंने बताया ना, अलग अलग गुट बन गए थे। ईरान से जो आए वो अलग अपना गुट बनाए थे, इराक से जो आए वो अलग गुट बनाए थे, अरब के जो आए वो अपना अलग गुट बनाए थे। ऐसे ही वो हिंदुस्तानी मुसलमान जो आपके मुस्लिम में कन्वर्ट किए गए थे, उन्होंने अपना एक गुट बनाया था। हिंदू मुसलमान जो गुट था उन्हीं के आपके एक तरह से बोल सकते हो सबसे प्रतापी, एक तरह से बोल सकते हो उनमें जो था वो कौन था?
अब्दुल खां और हुसैन अली खां थे। ये सैयद बंधु थे और इन्हें इतिहास में इसी नाम से भी जाना जाता है, सैयद बंधु के नाम से, और ये किंग मेकर भी कहलाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के हेल्प से जहांदार शाह को जो है गद्दी से हटाया गया। और जहांदार शाह की यही उल्टी सीधी हरकत कि एक वेश्या के प्यार में पड़ने के कारण इन्हें इतिहासकारों ने लंपट मूर्ख की जो है पदवी दिया है, इन्हें लंपट मूर्ख भी बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये सब याद रखना, जो इन्हें टाइटल एक एक दिया है उत्तर मुगल काल के जितने भी शासक हुए हैं उन्हें ध्यान रखना। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है, तो जहांदार शाह को कहा जाता है। तो भैया अब अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां ये दोनों भाई, जो अब्दुल्ला खां थे वो इलाहाबाद के सूबेदार थे और जो हुसैन अली खां थे वो पटना के सूबेदार थे, ये दोनों आते हैं और फर्रुख सैयद के साथ मिल जाते हैं और इसी आपके जुल्फिकार जो है उसी से कहकर जहांदार शाह की हत्या करा देते हैं। और जैसे जहांदार शाह की हत्या कराते हैं तो फर्रुख सैयद कहता है कि इसके चमचों की भी रहने की कोई जरूरत नहीं है। चमचा कौन? जुल्फिकार खां और उसका पिता असद खां। तो उसने क्या किया, जुल्फिकार खां को भी मरवा दिया और असद खां को कैद करा दिया। ठीक, और कुछ देर बाद असद खां की भी मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से अगर बोला जाए तो उत्तर मुगल काल में तीसरा आपका जो राजा बनता है वो बनता है फर्रुख सैयद, जिसे इतिहास में हम एक और नाम से जानते हैं, घृणित कायर। याद रखना, इसे घृणित कायर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट पे, लिखते रहिएगा सभी लोग। सैयद बंधुओं की सहायता से इन्होंने गद्दी पर हासिल किया था और सैयद बंधु क्या करते हैं, अब यहां से उनकी जो है लालसा जो और बढ़ने लगती है और ये सोचने लगते हैं कि हम अब राजा बन जाएंगे यहाँ के। ठीक, इसी वजह से इन्हें कठपुतली की तरह नचाना शुरू कर देते हैं। जब इनकी हेल्प से ये बने होते हैं फर्रुख सैयद राजा, तो फर्रुख सैयद कहते हैं कि ठीक है हम आपको कुछ पदवी दे देते हैं। तो अब्दुल्ला खां जो बड़े भाई साहब रहते हैं उनको वजीर की पदवी दी जाती है और जो छोटे मियाँ रहते हैं जिनका नाम हुसैन अली खां होता है उन्हें मीर बख्शी की पदवी दी जाती है। मीर बख्शी क्या होता है भैया, ये सेनापति होता है, सेना का सबसे बड़ा अध्यक्ष बोला जाए तो उसे हम मीर बख्शी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से कुछ इन्हें पदवी दी गई। पहले तो बहुत खुश था फर्रुख सैयद कि ये हमें राजा बनाने में इन्होंने मदद किया, लेकिन ये नहीं जान रहे थे राजा बनाने के पीछे इनका मकसद क्या है, क्या ये चाहते थे सैयद बंधु। तो इसी वजह से इन्हें कुछ टाइटलें दी, वो याद रखना। अब्दुल खां को, अब्दुल्ला खां जो था उसे टाइटल क्या मिला था, बहादुर यामिन उद्दौला यार ए सफादार। ठीक है, ये सब टाइटल थे। नेक्स्ट, छोटे भाई हुसैन अली को क्या क्या टाइटल से नवाजा गया था, अमीर अल उमरा, बहादुर फिरोज जंग, ये सब इसी के नाम थे, बहादुर फिरोज जंग, अमीर अल उमरा और उमादुल मुल्क की उपाधि दी गई थी। ये सब उपाधि ध्यान रखना, नोट करते रहना, किसकी किसकी, अमीर अल उमरा, बहादुर फिरोज जंग और उमादुल मुल्क की उपाधि दी गई थी। साथ ही साथ इसी के शासनकाल में क्या हुआ कि जो एक ईरान आपके जो थे ये ईरानी गुट के थे, अब आते हैं एक तुरानी गुट। कौन? तुरानी गुट के एक लोग थे जिनका नाम था चिंकलिज खां। ठीक, जिन्हें निजामुल मुल्क के उपाधि से नवाजा गया और इन्हें छह प्रांतों का, ठीक है, साउथ के, दक्कन के छह प्रांतों की सूबेदारी दे दी गई और उन्हें ये उपाधि दिया गया था क्या, निजाम उल मुल्क। ठीक, और यहाँ पे क्या होने लगा, ये सब देखकर कि कुछ भी शासन जो है किसके, फर्रुख सैयद के हाथ में नहीं था, जो भी कुछ होता था वो किसके कहने पे होता था, सैयद बंधुओं के कहने पे होता था। तो कहीं ना कहीं फर्रुख सैयद के मन में ये होने लगा कि अब सैयद बंधुओं का जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है, जिसके कारण वो उन्होंने षड्यंत्र करना शुरू किया उनके पीछे और ये कहीं ना कहीं कानो कान खबर पहुंच गई सैयद बंधुओं पर। क्योंकि जो दरबार में जो चीजें बातें होंगी तो बोला जाता था ना, दीवालों के भी कान होते, तो इतने गुट बन गए थे उस समय कि जो है चापलूसी वाला काम बहुत आगे बढ़ चुका था। तो कहीं से खबर मिलता है सैयद बंधुओं को भी, तो सैयद बंधु भी कहते हैं कि अब इसे राजा बनने लायक नहीं है, अब इसे हटा देने लायक है, इसीलिए इसे किंग मेकर कहा गया ना लगा सैयद बंधुओं को। आगे क्या होता है देख लेते हैं।
फरुख सैय्या ने राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी, ठीक है। जहांदार शाह ने किसकी उपाधि दिया था, मिर्जा राजा की उपाधि दिया था, और इन्होंने क्या दिया था, सवाई का उपाधि दिया था। और अजीत सिंह के बेटे से इनका क्या हुआ था, शादी हुआ था फरुख सैय्या का। इन्होंने जजिया अपने समय में भी इन्होंने जजिया को समाप्त कर दिया था, जो तीर्थ कर लगते थे उसे समाप्त कर दिया गया था। और इसी के शासनकाल में जो सिख बंदा बहादुर बहादुर शाह प्रथम के समय से जो सिखों में मित्रता थी, गुरु गोविंद सिंह के समय तो हो गया था, संधि कर दी गई थी, लेकिन जैसे वो 1708 में मरते हैं तो बंदा बहादुर मुगलों से क्या करता है, नफरत करने लगता है और कहीं ना कहीं विद्रोह करता है, और उसकी जो है हमेशा पटती नहीं है, जिसके कारण फरुख सैय्या के समय में बंदा बहादुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें क्या किया जाता है, मार दिया जाता है। तो ये याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि बंदा बहादुर की मृत्यु किस शासक ने करवाई थी, तो फरुख सैय्या ने करवाया था। और इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था कि इन्हें एक पैर में फोड़ा निकल गया था, जो काफी जो है बोल सकते हो दुख दे रहा था इसको, फरुख सैय्या को। और उसका इलाज काफी लोगों से कराया, कुछ सही नहीं हो पाया। तो उसी के शासनकाल में एक अंग्रेज की कुछ बोला जाए मंडल यहाँ पे आया था इंडिया में, जिसके जो है अध्यक्ष थे शर्मन मिशन, जॉन शर्मन मिशन। उन्हीं में एक डॉक्टर था, क्या नाम था उनका, हैमिल्टन, विलियम हैमिल्टन। तो उन्होंने उसके फोड़े का इलाज कर दिया, जिसके कारण फरुख सैय्या बहुत खुश हुआ। और खुश होने के कारण वो जो दल आया था यहाँ पे 1715 में, उनको क्या किया, बंगाल बिहार उड़ीसा पर बिना किसी कर के व्यापार करने की छूट दे दी, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, आपका एक कारण हो गया आपका, किसका, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर का, कि यहाँ पर ये जो अंग्रेजों को छूट मिला, कहीं ना कहीं ये भी कारण था कि बिना सोचे समझे आपने कर मुक्त जो है व्यापार करने का क्या कर दिया, शाही फरमान जारी कर दिया। तो ये जो शाही फरमान फरुख सैय्या ने दिया, ये भी मुगलों के शासन के अंत का एक तरह से बोल सकते हो एक कारण था, जिसके कारण 1717 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को बहुत सारे जो है क्या हुआ, व्यापारिक रियायतें प्रदान हो गई, जिसके कारण ये धीरे धीरे स्ट्रांग बढ़ते चले गए, जिसका हम लोग देखेंगे जब 1757 के आसपास पहुंचेंगे तो इनका क्या रोल होता है यहाँ पर, ठीक। उसी के बाद 1719 में, अब जब ये षड्यंत्र सब चल ही रहा था कि फरुख सैय्यर हुसैन सैयद बंधुओं को मारना चाहता था और सैयद बंधु आपके फरुख सैय्यर को मारने चाहते थे, ठीक। तो सैयद बंधु पहले कहाँ पहुंच गए हैं, जो सबसे ज्यादा इनके कौन थे बोला जाए कि इनकी 26 का आंकड़ा चलता था, वो थे मराठे। मराठों से हेल्प मांगने सैयद बंधु पहुंच गए, कहते हैं कि भैया आप फरुख सैय्यर को मार गिराओ वहां पर सत्ता, हम आपको दिल्ली का जो है कुछ जो है पार्ट दे देंगे, और जितने भी जो चौथ आप नहीं वसूलते हो, सरदेशमुखी सिख वसूलते हो, वो हम चौथ भी आपको कह देंगे, कि जितने मुगल शासन प्रदेश है वहां से आप चौथ और सरदेशमुखी भी कर वसूलो। तो वह इसी प्रस्ताव को लेकर आपके सैयद बंधु कहाँ पहुंच जाते हैं, बालाजी विश्वनाथ के पास पहुंच जाते हैं। ये साहू जी के आपके क्या पेशवा होते हैं, ठीक। पेशवा मतलब एक तरह का प्रधानमंत्री था, सब कुछ इसी के अंतर्गत यही करता था। उस समय छत्रपति का काम कुछ भी नहीं होता था, ठीक, वो सिर्फ एक गद्दी पर बैठा होता था, बाकी सब कुछ काम पेशवा करता था। तो इन्हीं से संधि करता है, जिसे हम दिल्ली की संधि के नाम से जानते हैं। और इस संधि में ये होता है कि मराठों को 6 प्रांत दे दिया जाता है, और साथ ही साथ इन्हें चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का भी अधिकार दिया जाता है। और ये सब संधि हो जाती है तो विश्वनाथ अपनी सैनिक लेकर दिल्ली पर चढ़ाई कर देते हैं, और जहाँ पे आपके इनका साथ कौन देते हैं, सैयद बंधु देते हैं। और 1719 में फरुख सैय्यर को सिंहासन से हटा दिया जाता है, इन्हें मार गिराया जाता है। और इस तरह से कहा जाए तो इनका भी क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, और सैयद बंधु फिर से एक बार कामयाब हो जाते हैं। और जब ऐसे कामयाब हो जाते हैं तो इसी उसमें आपके रफीउस्सान के जो बेटे होते हैं रफीउद्दरजात, ठीक है, इन्हें राजा बनाया जाता है। जहांदार शाह के भाई थे रफीउस्सान, उसी का बेटा था रफीउद्दरजात, इसे अगला किंग बनाते हैं सैयद बंधु, ठीक है।
इनका जो बोला जाए सबसे कम टाइम का जो रूलर थे उत्तर मुगल काल में वो कौन था? रफीउद्दरजात था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कम उम्र का शासक, सबसे कम जो है समय का बादशाह, कम उम्र का नहीं, सबसे कम समय का बादशाह अगर पूछा जाए जिसका शासनकाल बहुत कम था वो कौन था? रफीउद्दरजात था, जिसे बोला जाता है 3 मंथ 4 दिन का इसका शासन पीरियड था। 3 महीने 4 दिन तक ये सिर्फ गद्दी पर बैठता है, फिर बाद में इसके क्या होता है कि इससे बीमारी हो जाती है और ये मृत्यु हो जाता है इसका। इसी के शासनकाल में नेकुशियर का विद्रोह हुआ था, ये नोट आउट कर लो पॉइंट। नेकुशियर का विद्रोह आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि नेकुशियर का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये याद रखना रफीउद्दरजात के समय में हुआ था और ये नेकुशियर और कोई नहीं था अकबर द्वितीय औरंगजेब के जो पुत्र था, अकबर सेकेंड उसका पुत्र था। जब ये बड़ा हो जाता है तो अपना डिमांड, अपना सोचता है कि मेरा भी कुछ हक है इस मुगल साम्राज्य में, जिसके वजह से अपनी सेना बनाकर आगरा के किले पर आक्रमण कर देता है और वहां पर आक्रमण करने के बाद गद्दी अपने हथिया लेता है। लेकिन बाद में जब सैयद बंधु, जिन्हें किंग मेकर कहा जाता है, फिर से नेकुशियर को हटा देते हैं और अगले राजा इसी के भाई को जो है अपॉइंट करते हैं, जिसका नाम रफीउद्दौला था। ठीक है, रफीउद्दौला का भी काफी समय तक शासनकाल नहीं रहता है। 6 जून जो है आपका 17 में बनता है और सितंबर में 19 में ये इसकी मृत्यु हो जाती है। रफीउद्दरजात के बाद सैयद बंधुओं ने रफीउद्दौला को मुगल बादशाह बनाया, जिसका टाइटल, जिसे बोला जाए उपाधि दिया शाहजहां सेकंड के नाम से इसे राजा बनाया जाता है। लेकिन इसका भी जो है बोला जाए यमराज को मंजूर नहीं रहता है और जल्दी ही इसे कहाँ बुला लिया जाता है, यमलोक बुला लिया जाता है। ठीक, तो इसका जो बोला जाए तो इसका पेचिस से अगर पूछता है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो पेचिस से हुआ था और जो रफीउद्दरजात था उसकी जो मृत्यु थी वो टीवी रोग से हुआ था। ठीक, उसके बाद से आपके मेन आते हैं शाहजहां द्वितीय के बाद, जो रफीउद्दौला बना था उसे शाहजहां द्वितीय की पदवी दी गई थी। उसके बाद से आपके शासक बनाए जाते हैं वो मोहम्मद शाह बनाए जाते हैं। कौन बनाए जाते हैं? मोहम्मद शाह बनाए जाते हैं। सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह को राजगद्दी दी। अब ये मोहम्मद शाह कौन होते हैं? जहान शाह। ठीक है, जहान शाह का बेटा होता है। जहान शाह कौन? बहादुर शाह का जो आपका बोल सकते हो, बहादुर शाह का जो सबसे छोटा बेटा था वो कौन था? जहान शाह था। तो उस जहान शाह का बेटा होता है कौन? रोशन अख्तर। रोशन अख्तर का जो है किसकी उपाधि देकर? मोहम्मद शाह की उपाधि देकर इसे राजा बनाया जाता है और इसी को मोहम्मद शाह रंगीला भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है बोला जाए ऐश आराम में काफी अपनी जिंदगी बिताता था, इसीलिए इसे रंगीला बोला गया। ठीक, स्त्रियों का साथ इसे काफी पसंद था, इसीलिए इसे रंगीला बोला गया। ठीक, मोहम्मद शाह 1720 में क्या करता है? जैसे गद्दी पर बैठता है 1720 में जजिया को पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है। देखो, सभी लोगों ने अपने अपने शासनकाल में जजिया को समाप्त किया, कुछ लोगों ने फिर से उसको लगाया भी था, लेकिन 1720 के बाद, मगर मोहम्मद शाह रंगीला जब बनता है आपका राजा, तो 1720 के बाद ये जजिया कर जो लगता था नॉन मुस्लिम पर उसको पूर्ण रूप से बैन कर दिया जाता है। मतलब इसके बाद से कोई भी आपका जो शासक बनता है वो जजिया को फिर से इम्पोज नहीं करता है। ठीक है, ये याद रखना, ये हमेशा पूछता है कि जजिया कर को पूर्ण रूप से कब समाप्त कर दिया गया? तो 1720 में, किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। ठीक है, अब क्या होता है कि जो सैयद बंधु को फरुखसियर मारवाना चाहता था, कहीं ना कहीं वो इसी के दिमाग में, मोहम्मद शाह के दिमाग में भी यही चलता रहता है। वो सोचता है कि जब ये हमें किस फरुखसियर को मारकर मुझे राजा बना सकते हैं, सबको राजा बना सकते हैं, सब कुछ इन्हीं के हाथ में है, तो कल मुझे भी मारकर क्या किसी और को राजा बना सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या करता है मोहम्मद शाह, इन्हें मारने के लिए साजिश रचता है। और जो तुरानी गुट था, मैंने आपसे बताया था जिनके कौन नेता रहते हैं, चिंकलिज खां, उस चिंकलिज खां को बुलाता है और कहता है कि भैया देखो ऐसी ऐसी बात है, अगर तुम मेरा हेल्प करोगे तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें फला फला चीज दूंगा।
ठीक है, लालच उसे देता है चिंकलिस खां को। अब चिंकलिस खां कहता है ठीक है, उसके कहने पर आ जाता है और सैयद बंधुओं के मारने का प्लान बनाने लगता है। सैयद बंधुओं को भी यह खबर पड़ जाती है कि भैया मोहम्मद साहब हमारे पीछे पड़ चुका है, बचना मुश्किल है। तो बात है आपकी कब की, 1720 को ही चिंकलिस खां क्या करता है, एक तुरानी सैनिक रहता है इसका सबसे होशियार हैदर खां, उसको भेज देता है कि भैया ये आपके जो सैयद हुसैन है सबसे छोटे भाई सैयद बंधुओं के, उनको पहले पीटो, उनको एक जगह अकेले पाता है और अच्छे से रौंद देता है और उनकी उसी में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और अब्दुल्ला खां को जो बड़े भाई रहते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह बहादुर शाह के इसमें मोहम्मद शाह के कहने पर इसे खाने में जहर देकर मरवा दिया जाता है। तो इस तरह से सैयद बंधुओं का चैप्टर यहाँ क्लोज हो जाता है। ठीक, उसके बाद से आपके जो ये चिंकलिस खां है कुछ देर तक मोहम्मद शाह के साथ इनकी बैठती है, तब तक ये तो रहते हैं, लेकिन ये भी मोहम्मद शाह के कामकाज से और इनके रवैये से परेशान हो जाता है। ठीक है, कि मैंने बताया कुछ विलासी प्रकृति का ये आदमी था। ठीक, इसी वजह से वो छोड़ छाड़ के कहाँ चला जाता है, वो हैदराबाद चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद अपना स्वतंत्र राज घोषित कर लेता है। और इसी के शासनकाल में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही आपके कई स्वतंत्र राज्य हुए, वो कौन कौन से हुए एक नजर डाल लीजिए, क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछता है। देखो निजाम उल मुल्क, ठीक, निजाम उल मुल्क भी बोला जाता है, निजाम उल मुल्क भी बोला जाता है। ये चिंकलिस खां को उपाधि दी गई थी, इन्होंने जब हैदराबाद आया, ये वहां से दिल्ली से भागकर उससे बादशाह से नाराज होकर वापस यहां आ गया था अपने हैदराबाद, तो यहाँ पे स्वतंत्र घोषित कर लिया राजा हैदराबाद को, और यहीं से जो आपके बोला जाए तो हैदराबाद स्वतंत्र हो गया। ठीक, उसके बाद से जो बंगाल था, बंगाल के सूबेदार थे मुर्शिद कुली खां, इन्होंने भी क्या किया, बंगाल को क्या कर लिया, स्वतंत्र घोषित कर लिया। उसके बाद से आपके अवध के जो राजा थे, एक तरह से बोल सकते हो सूबेदार थे, वो शहादत खां थे, इन्होंने भी स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर लिया। भरतपुर और मथुरा के आपके सूबेदार थे बदन सिंह, उन्होंने भी इसको स्वतंत्र घोषित कर लिया। मतलब सभी धीरे धीरे इसके शासनकाल में बोला जाए कि पूर्ण रूप से सभी छोटे छोटे प्रांत स्वतंत्र होते चले गए, और इसे भी एक कारण क्या बोल सकते हो आप, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर का ये भी एक कारण है। ठीक है, मुगल एम्पायर के पतन का कारण ये है कि जब ये स्वतंत्र हो रहे थे तो मोहम्मद शाह रंगीला क्या कर रहा था, झंक मार रहा था, तो हाँ जंग ही मार रहा था, और इन्हों इंडिपेंडेंट होने की स्वतंत्रता इन्हें दे दिया। उसके बाद से गंगा यमुना का जो दुआब का जगह है वो रोहेलो के पास आ गया। ठीक, तो ये पूरे तरह से ये लोग इतने इतने स्वतंत्र राज हो गए। बाद में इन्हीं जो स्वतंत्र राज हैं आपके, हैदराबाद में निजाम हो गए, बंगाल में जो मुर्शिद कुली खां है, इन्हीं सबके जो आपके सिराजुद्दौला बनेंगे ठीक सूबेदार, तो उनकी लड़ाई होती है आपकी 57 में, प्लासी का युद्ध हम देखेंगे आगे चल के। इसी के शासनकाल में ईरान का नेपोलियन, ठीक है, ईरान के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध कौन, नादिर शाह। ठीक है, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था कब, 24 फरवरी 1739 को। ये नादिर शाह आक्रमण क्यों किया, क्या इसे सपना आ रहा था कि नहीं चले हम भारत पर आक्रमण कर दें, नहीं, देखिए ईरान का था राजा था और ईरान के जो मुगलों से संबंध थे वो अच्छे थे, मगर बीच में जैसे ही औरंगजेब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उस समय क्या होते हैं, जो इसके बेटे होते हैं, जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं, वो ईरान से जो है एकदम कटे कटे घूमते हैं। एक तरह से जो है ईरान के पास भी कुछ पैसे वैसे जाता था, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ईरान को एकदम बाइकआउट कर देते हैं कि अब ना उनसे कुछ लेना है ना देना है, जिससे बारह नादिर शाह काफी देर तक इंतजार करता रहता है, करता रहता है, भैया अब कोई उधर से कुछ हमारे लिए लेकर आए। ठीक, कुछ तो हमारे बीच जो चल रहा था बातचीत भी नहीं होती है, तो ऐसा होने जब लगा तो नादिर शाह सोचा कि अब ये लोग कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हैं, अब हमें चलना पड़ेगा। तो बात है 24 फरवरी 1739 को हरियाणा का जगह एक करनाल है, यहां पर नादिर शाह आता है, और जब ये भयभीत हो जाता है तो कौन, मोहम्मद शाह आपका जो रंगीला है वो देखता है कि नादिर शाह आ रहा है आक्रमण करने भारत पर, तो ये चिंकलिस खां को बुलाता है, भैया
तुम आ जाओ, तुम ही हमारा रक्षा कर सकते हो। सैयद बंधुओं से भी तुम ही ने रक्षा किया था और इस समय भी तुम्हारी ही जरूरत है। तो चिंकलिस खां जो है आपका, ये आपका हरियाणा के इस करनाल युद्ध में अपनी सेना लेकर भिड़ता है नादिर शाह से और हार जाता है। और हारने के बाद देखो क्या इसकी हिम्मत होती है, कहता है नादिर शाह से, ठीक है तुम्हारे पास पैसा नहीं पहुंचा तो हम तुम्हें 50 लाख देते हैं, यहां से चले जाओ। कहता है अच्छा 50 लाख दोगे तो हम यहां से चले जाएंगे। और उसी में एक लोग और आ जाते हैं, फोन कर देते हैं भैया उसको निजाम शाह को, नादिर शाह को सॉरी, कि ऐसा है तुम वहां पे 50 लाख में मत मारना, अगर तुम दिल्ली पर आक्रमण कर देते हो तो तुम्हें 30 करोड़ मिलेगा। अब वो चढ़ा दिए पैसा पे कि भैया अगर हम दिल्ली पहुंच जाएं तो हमें 30 करोड़ मिल जाए। और ये बोल रहा है कि हमें 50 लाख देने की बात कर रहा है। तो शहादत खान जो थे आपके कहाँ के अवध के जो नवाब थे, ये बेईमानी कर जाते हैं भाई साहब। ये कहते हैं कि नहीं नादिर साहब तुम वहीं नहीं रुको, तुम दिल्ली तक आओ, तुम्हें 30 करोड़ मिलेगा। अब भैया नादिर साहब काहे खातिर रुके, 50 लाख से 30 करोड़ तो बहुत होता है, तुम्हारे तो आँख खुल गए होंगे बच्चों। तो अब क्या करता है भैया ये नादिर साहब, हरियाणा नहीं रुकता, सीधे दिल्ली की तरफ बढ़ जाता है और दिल्ली में आते ही कतलेआम मचा देता है। और कतलेआम मचाते वहां पर कम से कम जो है 30 बोला जाता था, उसने बोला था 30 करोड़ मिलेगा, मगर ऑन अप्रोक्स 20 से 25 करोड़ तक इसे जो है पैसा मिलता है। साथ ही साथ तख्ते ताऊस जिस पे शाहजहां बैठता था, जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था, उसे उठा ले जाता है। तो ओवरऑल देख लोगे अगर सब कुछ जितना यहाँ से ले गया, कुछ दासों को ले जाता है, ठीक कुछ सैनिकों को ले जाता है, तो कुछ रकम सब एक निकाल लिया जाए तो बोला जाता है 60-70 करोड़ के अप्रोक्स ये यहाँ से लूट कर लेके गया। ठीक, तो ये पूरा यहाँ से नादिर शाह का आक्रमण भी इसी के शासनकाल में हुआ। और साथ ही साथ नादिर शाह जब यहाँ से सब कुछ लूटपाट करके लेके गया, तो नादिर शाह के मरने के बाद ईरान में उसका उत्तराधिकारी बनता है कौन, अहमद शाह अब्दाली। इसका भी आप लोग काफी जिक्र नाम सुने होंगे, अहमद शाह अब्दाली, पानीपत का आपका तृतीय युद्ध पढ़ेंगे हम, वहां इसका रोल मिलेगा। तो अहमद शाह अब्दाली को इसी के ही शासनकाल में, मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में कौन निमंत्रण देता है भैया, आपके सूबेदार होते हैं पंजाब के शाहनवाज खां, ठीक है, ये कहते हैं भैया अहमद शाह अब्दाली से कि आप आओ बहुत पैसा है यहाँ। ये आते हैं अहमद शाह अब्दाली और पंजाब पर आक्रमण करते हैं। ये बात है कब की, 1748 की, लेकिन ये कामयाब नहीं होते हैं। यहाँ पर मोहम्मद शाह का जो है लड़का जो है इन्हें परास्त कर देता है और यहाँ से ये भाग जाते हैं। और ये वही अहमद शाह अब्दाली हैं जो भारत पर 7 बार आक्रमण किया था, ठीक है। तो इनके आक्रमण के बारे में हम आगे देखेंगे और अगले चैप्टर में देखेंगे कि कैसे अहमद शाह अब्दाली 7 बार भारत पर आक्रमण करता है, इसके बाद कौन कौन से शासन आते हैं, कौन कौन से युद्ध होते हैं, उसके बाद से मराठा का उदय। इसी चैप्टर में हमने आपको बताया था कि मराठा उदय भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक, तब हमारा पूरा एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में जहां हम बात करेंगे इसके आगे।